नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आज आप देख रहे हैं प्रशांत देवनाथ। ये मेरा ही चैनल है, मेरे नाम से मैंने ये अपना चैनल बनाया। वैसे मेरा दूसरा चैनल भी है साइको राइडर पीरियड 13, वहाँ मैं सिर्फ बाइक रिलेटेड वीडियो छोड़ता हूँ। और ये वाला जो चैनल है इसमें मुझे जो पता है और जो मेरे पास होता है उसका अनबॉक्सिंग वगैरह या फिर उसके रिलेटेड कोई भी वीडियो बना लेता हूँ, और जो मुझे पता होता है उसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ और आगे भी ऐसा बनाऊंगा। वैसे अभी तो ये चैनल बहुत नया है, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक प्रोजेक्टर के बारे में बताऊंगा जो मेरा दोस्त अमरजीत चौरसिया ने लाया है नया। तो ये जो प्रोजेक्टर है तो इसको हमने खोल लिया है और खोल के थोड़ा इसका फीचर्स वगैरह तो देख लिया और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं ये बोल देता हूँ कि ये जो प्रोजेक्टर है ना, ये किस काम के आते हैं, ठीक है। मान लो यार आप लोग हॉस्टल में रहते हो या फिर किसी दूसरे जगह में काम करने जाते हो, ठीक है, तो वहाँ तो अगर आप टीवी वगैरह में लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है और आप रूम को आप बार बार चेंज करना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है, टीवी वगैरह बार बार इधर उधर लेके जाना पड़ता है, तो ये ज़्यादा मुश्किल होता है और टीवी का ज़्यादा प्राइस भी है, ठीक है। आजकल जो एलईडी टीवी आता है काफ़ी ज़्यादा प्राइस भी है और जितना बड़ा लेंगे उतना आपका प्राइस लगेगा। लेकिन अगर आप प्रोजेक्टर लेते हैं एक अच्छा, जैसे मेरे दोस्त अमरजीत ने लिया है, अगर इस तरह का प्रोजेक्टर लेते हैं आप अपने मर्जी के हिसाब से बड़े पर्दे में आप कुछ भी वीडियोस वगैरह कुछ भी देख सकते हैं, वो भी अपने फ़ोन से कनेक्ट करके, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को वही दिखाऊंगा, तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए। तो चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका फीचर्स वगैरह आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे। तो फिलहाल तो इसको हमने पहले ही अनबॉक्सिंग कर लिया था, तो फिर से हमने जैसा था वैसा कर दिया ताकि आप लोगों को अच्छे सब कुछ पता चले कि अंदर क्या रहता है। तो सबसे पहले जब अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, ये मैनुअल है और उसके बाद ये क्या है, ए वी केबल बोलते हैं इसको, हाँ ठीक है, ऑडियो वीडियो, ये पावर इसको चार्ज करने के लिए, बेसिकली ये चार्ज करने के लिए नहीं है, सीधा मतलब आपको बिजली से इसको डायरेक्ट चलाना पड़ेगा चार्जिंग सिस्टम। ये है प्रोजेक्टर, ठीक है, तो इसको खोलो। छोटी सी चीज़ है, देखो यार कहाँ कहीं भी आप ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, टीवी के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो, इसके ऊपर एक कवर रहता है, इसको हटा लेंगे तो आपको लेंस दिख जाएगा, बिल्कुल कैमरे जैसा लेंस है। देखो देखो क्या क्या फीचर्स है, आप किससे चला सकते हैं, हाँ USB 5 वोल्ट आउटपुट, मेमोरी कार्ड, AV हेडफोन, ठीक है, ये सब फीचर्स है इसमें। इसमें वाईफाई भी है, हाँ वाईफाई भी है, चलो बढ़िया है, आप फ़ोन से वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं इसको। वैसे हम सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को इस वीडियो में कि ऐसे क्या करना है कनेक्ट वगैरह, पूरा देखते रहो। चलो इसमें पावर दे दिया, पावर देने के बाद क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ये जब चलाएंगे आपके रूम जो है उसको थोड़ा अंधेरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये चालू कर दिया, मैं अंधेरा करके सब कुछ दिखाऊंगा। चलो चालू करने के बाद आपके घर को थोड़ा अंधेरा कर दो और जहाँ थोड़ा साफ वॉल है, वैसे ये जो घर है ये रेंट पे रखा हुआ है तो इसमें कुछ है नहीं, तो ये थोड़ा वॉल जो इसमें काफ़ी कुछ है स्क्रैच वगैरह, तो आप देख पा रहे होंगे। देखो ये यहाँ से मेमोरी कार्ड भी लगाएंगे, हाँ मेमोरी कार्ड भी लगा के आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों। देखो अभी फ़िलहाल तुम फ़ोन से कनेक्ट करके दिखाओ, ठीक है, फ़ोन से लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, सीधा फ़ोन से ज़्यादा आसानी होता है। ये देखो यहाँ का रोशनी सीधा यहाँ वॉल पे चला गया और यह कुछ इस तरह से आ रहा है, दिखा रहा है। इसको सेट करने के लिए अभी फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले वाईफाई, हाँ वाईफाई ऑन करना पड़ेगा, एनी कास्ट से, हाँ ठीक है, स्क्रीन कास्ट एक ऑप्शन होता है, वो अभी फ़ोन पे मेरे कैमरे में दिख ही नहीं रहा है। ये स्क्रीन कास्ट वाला ऑप्शन है, इसको ऑन कर दिया, ठीक है, ये ब्राइटनेस ज़्यादा होने की वजह से कैमरे में समझ में नहीं आ रहा ज़्यादा, चलो अभी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ये स्क्रीन कास्ट को आप अगर ऑन कर देंगे तो इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, तो इसमें जब स्क्रीन कास्ट ऑन करोगे इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें वाईफाई में जाना पड़ेगा, हाँ इसका वाईफाई में जाना पड़ेगा, इसके रिमोट जो है इसमें जाके आप फिर से बात जाना पड़ेगा। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें मीडिया कास्ट, तो मीडिया कास्ट में जाना पड़ेगा, पहले मीडिया कास्ट में जाकर ओके मार दो, ठीक है, देखो ये कनेक्ट हो गया। तो बेसिकली सभी लोगों को तो बताइए वाईफाई से या फिर स्क्रीन कास्ट से कैसे कनेक्ट करना पड़ता है, तो इस वीडियो में मैं अच्छे से नहीं दिखा पाया, लेकिन वो तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि कैसे क्या करते हैं। ये एकदम सिंपल सा है जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट या फिर वाईफाई, वैसे ही हो गया। तो अभी सक्सेस हो गया, सक्सेस होने के बाद ये जो लाइट है इसका थोड़ा कम हो जाता है, उसके बाद देखो ये फ़ोन के स्क्रीन आ गया, स्क्रीन आने के बाद इसमें मीनू आ गया, आप जा सकते हैं, आप जिधर आपका वीडियो है आपके फ़ोन में वहाँ जाके आपको वीडियो प्ले करना है, या वीडियो प्ले करें, ठीक है, इसका कॉपीराइट आ सकता है, मैं दूसरा गाना लगा दूंगा इसके बीच में, देखो ये
और ये आपको मिल रहा है कम प्राइस में, तो आपको टीवी लेने का क्या ज़रूरत है बताओ? थोड़ा हम साउंड कम कर देते हैं। ठीक है, तो हमने साउंड को कम कर रखा है कि नहीं तो कॉपीराइट भी आ सकता है और मेरा साउंड भी सुनाई नहीं देगा आप लोगों को मैं जो बोलूँगा अभी। तो देखो, अभी अगर आपके आपको टीवी लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप कहीं रेंट पर रह रहे हैं या फिर आप हॉस्टल में रहते हैं, तो कम प्राइस में आपको एक ऐसा प्रोजेक्टर आप ले सकते हैं। और प्रोजेक्टर लेने के बाद अगर आप थोड़ा अपने घर को अंधेरा कर देंगे, उसके बाद वॉल पे आप इसको चला देंगे, तो देखो यार ये टीवी से भी ज़्यादा मस्त दिख रहा है। और अगर ये वॉल थोड़ा और अच्छा होता या फिर आपके पास वाइट कपड़ा हो तब तो और भी ज़्यादा मस्त दिखेगा, बिल्कुल थिएटर जैसा। थिएटर का मज़ा घर पर मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना मज़ा आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये भोजपुरी सॉन्ग था। तो दोस्तों, अब इसमें अभी तो हमने फ़ोन के साथ कनेक्ट करके आप लोगों को दिखा दिया है, अभी दिखाते हैं आपको पेन ड्राइव कनेक्ट करके। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखते रहो। तो दोस्तों, रूम को थोड़ा अंधेरा करना पड़ा इसलिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हम प्रोजेक्टर चला रहे हैं भाई साहब। तो देखो यार, पेन ड्राइव यहाँ हमने डाल दिया। डालने के बाद यहाँ रिमोट से आपको ढूंढना है इधर फाइल में, मीडिया में जाना है आपको। हाँ ठीक है, मीडिया में जाकर ओके मारो, उसके बाद फाइल निकलेगा। हाँ बढ़िया यार, ओ भाई साहब बढ़िया है। देखो आपका, हाँ साउंड कम कर देना नहीं तो मेरा बात तो सुनाई नहीं देगा। ये देखो, ये देखो, तो इसका स्क्रीन जो, इसको भी तो सेट कर सकते हैं। तो इधर इधर घुमाने का चीज़ है, देखो आइए इसे एडजस्ट कर सकते हैं आपको। देखो इधर उधर एडजस्ट कर रहा है, उधर स्क्रीन देखो हिलेगा। हाँ ये देखो, ऊपर नीचे हो सकता है कि आपके वॉल के हिसाब से आप इसको स्क्रीन जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और कितना मस्त दिख रहा है। तो अभी तो फिलहाल दिन है इसलिए उतना अच्छा नहीं हो रहा है, अगर रात हो जाता और आपका रूम का लाइट बंद कर दो और दोस्त लोग मिल के कोई भी मूवी का मज़ा ले सकते हो भाई साहब, वैसे पॉर्न का भी मज़ा ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके जो बॉक्स आता है इसके साथ, उसमें कुछ लिखा हुआ है इसका फीचर्स वगैरह, वो अच्छे से आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ मैं। अभी फ़िलहाल इसको बंद करते हैं। तो इसके साथ जो मैनुअल आता है दोस्तों, इसमें आप पढ़ के सब कुछ सीख सकते हैं कि कैसे क्या इसका ऑपरेट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ सब कुछ है, इसको ज़रूर पढ़ना। वैसे तो खुद से ही पता चल ही जाता है कि वाईफाई से कनेक्ट करना है और चलाना है। वैसे आजकल के ज़माने के सारे बंदों को ये सब पता ही होगा कैसे क्या करना है, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मैनुअल पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके बॉक्स में इसका फीचर्स वगैरह मैं फिर से दिखा देता हूँ, अगर मैं बताना कुछ भूल गया होगा तो, इसलिए आपको इस बॉक्स के में जो लिखा है वो दिखा देते हैं, इसके फीचर्स वगैरह। ठीक है, और दोस्तों एक बात बोलना भूल गया कि इसको आप चार्ज करके कहीं ले नहीं जा सकते, इसको सीधा पावर से ही चलाना पड़ेगा। ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि इसमें बैटरी बैकअप रहेगा, आप कहीं जाके चलाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सीधा पावर देना पड़ेगा तभी ये चल पाएगा। ठीक है, चलो इसमें बॉक्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या कुछ है। देखो ये सब आप पढ़ लीजिएगा बॉक्स में क्या क्या है, इसमें फीचर्स वगैरह, वाईफाई वगैरह, स्मॉल साइज भी कर सकते हैं या क्या, WVGA सब वीडियो क्वालिटी का। ये LED प्रोजेक्टर यूनिक कंपनी का है। और कितना प्राइस लिया ये? 5,000 में ये मिल जाएगा आप लोगों को। ये सबसे, मुझे लगता है ये इस बजट में सबसे अच्छा प्रोजेक्टर है। अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं तो इसको आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से मंगवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो प्रोजेक्टर के बारे में आप लोगों को बताया, आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, और कोई भी क्वेश्चन है आपको मन में तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मैं कमेंट का सबका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।